एक चीज गलत कर दी केरी ने गालियां दी है। तो शायद केरी के माँ बाप केरी के संस्कार ये होंगे कि वो घर में भी अपनी अपनी बहन और पत्नी जो उनकी होंगी या है मुझे नहीं, नहीं पता नहीं। वो होंगी तो वो उसके लिए भी डिजर्व करते हैं वो उसको भी गाली देंगे जो किसी औरत की इज्जत नहीं कर सकता वो किसी की इज्जत नहीं कर सकता अपने बेटे से पता इसलिए ज्यादा हूँ क्योंकि शायद मैंने अपनी माँ का प्यार लिया अपनी लाइफ के बारे में हर चीज आपने बता दी दर्शक समझ भी गए लेकिन इसमें एक ए, ए, एक चीज समझ में आती है कि इमोशनल 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 नहीं इमोशनल कार्ड चाहे चौखट पे बेटी होती थी और इंतजार करती थी कि अब आएगा मैं अपने बाप से बहुत नफरत करती थी मेरे मैं मर्द जात से नफरत करती थी मैम कैसे हो बिल्कुल ठीक हूँ भाई मैं मैम एक क्वेश्चन आपके लिए है जो बिग बॉस में जो वीडियोस आ रही हैं जिसमें आप गलत से इशारे कर रहे हो और कुछ खुजली कर रहे हो कुछ इस टाइप की वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं है। जैसे आपकी पहले भी वीडियोस वायरल होती थी कार्ट के ऊपर तो मुझे ये पूछना है कि आपकी वीडियोस ऐसी क्यों आ रही हैं मतलब देखो आप ऐसा क्या करते हैं मैं एक बात बता देना चाहता चाहिए नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स मैं हूँ आपके साथ अंकित चंदेल दोस्तों आज हमारे साथ काफी खास मेहमान है बात की जाए तो बिग बॉस की तो इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है और उसका ओ सीजन थ्री इस समय स्ट्रीम कर रहा है और उसकी एक घर वाली जो थी पर अब वो बाहर आ चुकी हैं मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपना सफर शुरू किया है एक वड़ा पाव के छोटे से कार्ड से ठेली से और आज सभी के दिलों पर राज कर रही है मैं बात कर रहा हूँ नन देन दैन वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्सप्रेस और और मेरे साथ साथ स्वागत आपका मेरे जो हमारे परिवार सदस्य बिग बॉस का घर है ये हमारा घर है इसमें हमारे भी लोग हैं तो ये भी आपसे सवाल करेंगे आपको चाहने वाले चंद्रिका कभी सवालों से हाँ, नहीं बिल्कुल हाँ, तो सबसे पहले तो ये बताओ कैसे हो आप मैं बहुत अच्छी हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ जैसे लोग कहते हैं ना इमोशनल हाँ मैं हूँ क्योंकि मैं एक बच्चे की माँ हूँ एक फैमिली से बिलोंग करती हूँ और जिस बच्चे को बचपन में सब कुछ छिन गया माँ बाप वगैरह तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो इमोशनल है तो मैं हूँ मुझे उसमें फक्र है पर रोती हूँ तो डबल स्ट्रॉन्ग होती हूँ जी जिस तरह हमने घर में देखा आपकी पर्सनैलिटी अलग अलग हमें एक वर्जन आपके देखने को मिले लेकिन जब आप घर से बाहर आए हो तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अंदर बाहर आने के बाद लाइफ कैसे बदली क्योंकि पहले लाइफ एक अलग थी अब आप नए एक्सपीरियंसेस के साथ आए नए लोगों को जान के आए और सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज के बीच में आप रह के आए तो क्या बदला है क्या चेंज हुआ है बाहर आने के बाद देखो एक चीज बता देना चाहती हूँ मैं पहले भी माइंड यही करके गई थी कि बिग बॉस घर में अगर एंट्री कर रही हूँ ना तो कोई सौ करोड़ का बंदा भी है और कोई तीस की भी वैल्यू हो तो वो बराबर है ठीक है मैं कभी इंसानों में फर्क करना नहीं समझती और बहुत कुछ सीख के आई हूँ वहाँ से बट कहते हैं ना कि चंद्रिका जैसी है हमेशा डाउन टू अर्थ रहना पसंद करेगी बाली कितना कमा ले कुछ भी कर ले मैंने पहले भी इंटरव्यू में अपने कहा है कि हाँ मैं कमाने का शौक रखती हूँ मुझे कमाना पसंद है मैं अपनी फैमिली के लिए अपने परिवार के लिए मेहनत करना पसंद करती हूँ कमाऊंगी घर बनाऊंगी हर एक चीज़ करूंगी पर जहां जहां लगेगा ना कि जिसको मेरी जरूरत है मैं वहां खड़ी होंगी बिल्कुल लेकिन आपने एक बात बोली जब आप घर से निकले कि मेरे को बिग बॉस से निकला निकाला गया मैं डिजर्विंग थी yes. और जो आपने भी बोला कि विशाल जैसे लोग घर के अंदर रहने के लायक नहीं आपने बोला स्टेटमेंट हाँ तो ये, बोला। ये आपको क्यों लगता है कि आपको बिग बॉस से निकाला गया आप या फिर आप दोबारा जाना चाहेंगे अगर मौका में देखिए मैं एक चीज बता देना चाहती हूँ जो फॉलोअर्स फॉलोवर्स का गेम हो रहा है ठीक है वहाँ पर कोई मुझे वोट आउट नहीं कर रहा था नॉमिनेट नहीं कर रहा था शायद वो वीडियो भी तुम आप लोगों के पास आई होगी नहीं आओगी इसको तो वोट आउट ही नहीं किया जा रहा है ये नॉमिनेट ही नहीं हो रही है तो फॉलोअर के बेस पे अगर आप जैसे रणवीर भैया से लास्ट बार पूछा गया था कि विशाल लव शिवानी अरमान और चंद्रिका वैसे कौन जाएगा तो रणवीर भैया ने कहा था कि अगर फॉलोअर्स की बेस पे देखा जाए तो चंद्रिका जा सकती है और ना तो ये मिलियंस में बैठे तो मैंने बस यही कहा था कि मेरे साथ ना इंसाफ हुई मिलियंस में अगर आप लोगों को लेके आ रहे हो और वोटिंग लाइन फॉलोअरों के दम पे ही चला रहे हो तो फिर हम जैसे को ले जाने की नीड नहीं है चीज मैंने कही थी और अब अगर मैं सेकंड वीडियो देख रही हूं कि फॉलोअर्स बंद हो गया है तो फिर मैं क्यों निकली मुझे एक साजिश के तहत निकाला गया क्योंकि वहां से मैं डेफिनेटली टॉप फाइव में जानने वाली थी क्योंकि मैं एक बहुत अच्छे से प्ले कर रही थी बहुत अच्छे से लोगों से कनेक्शन बनाता था जहां जरूरत थी वहां बोलती थी जहाँ जरूरत नहीं थी नहीं बोलती थी ग्रुप में खेलना नहीं पसंद था अकेले रहकर खेलती थी बिल्कुल आपने एक बात बोली कि वोटिंग लाइन बंद होगी जो कल के एपिसोड में हमने वो देखा वोटिंग लाइन बंद है एक नया ट्विस्ट आया दोबारा से वो वो क्यों <laughs> लाया गया वो भी मुझे पता है बिल्कुल <laughs> आ, सीजन थ्री जैसा अनिल कपूर साहब ने बोला झकास भी भी और खास, खास भी है, भी है फोन अंदर आया उसके बाद नया ट्विस्ट आया कि अब फोन में चैट भी कर सकते हैं अब ये ट्विस्ट आया कि जो जिसके जितने मिलियन फॉलोअर थे जब कुछ था अब सब खत्म हो जाएगा अब जो घर के अंदर म्यूचुअली डिसाइड होगा वही फाइनल डिसीजन होगा मतलब अब जो चाहे बैठा है सो मिलियन लेके चाहे जो जिसको कोई भी नहीं जानता तो अब सब बराबर

काफी उनका मतलब पहले दिन हालांकि मेरे, मेरे उनसे पहले दिन मेरी उनसे दो अंडे को लेके बहस हुई थी हाँ। मैं नॉन वे में प्योर ब्राह्मण गर्ल हूँ बट जब खाने को लेके और हर एक मुद्दे को लेके बात हुई थी हालांकि मैंने दो अंडे उनकी कई बार जब धीरे 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 वक्त कटता गया उनको जानने लगी समझने लगी तो उससे बेहतर इंसान मुझे उस घर में नहीं दिखा जी जिस तरह बात की जाए घर के अंदर आप आप भी एक ग्रुप में थे जो कि हमने देखा एक अलग ग्रुप था जिसके साथ आप ज्यादा इतना घुल, घुलते मिलते नहीं थे विशाल कटारी सब जो एक ग्रुप था आप दूसरे अरमान जी वाले ग्रुप में ज्यादा ग्रुप में नहीं थी मैं दीपक भैया और रणवीर भैया के साथ थी वो ग्रुप कहे दिखाया नहीं गया बट वो तीन ग्रुप है विशाल कटारिया शिवानी मकबूल एक ग्रुप है रणवीर भैया दीपक भैया और शायद मैं हाउस में एंट्री थी तीन हमारा था सुल्तान और साई ये दो अपने वोट थे और कृतिका अरमान ये दो बट एक मैच्योर होने के कारण एक सब एक डिसीजन सही लेने के कारण वो सब एक साथ थे क्योंकि एक मैच्योरिटी से डिसीजन लिए जा रहे थे कि हाँ क्या सही है क्या गलत है कौन वास्तव में आगे जाने के लायक है उनको नहीं है बिल्कुल घर के अंदर दो बड़े कांड हुए जो कि पहली बार हुए जो कि ओटी में हिस्ट्री में पहली बार पहले तो जो आपको पता है, शायद वो हाँ। है कि अगर उससे कोई गलती हुई है तो वो बकायदा वो नहीं देखती की कि देख क्या कर रहे हैं अगर चंद्रिका ने गलती करी है तो वो हाथ जोड़ के माफी मांगने का दम रखती है बट गलत किया मतलब अरमान ने जो किया वो सही किया गलत किया बहुत सही किया कैसे मतलब उन्होंने वो वर्ड तो बोले नहीं थे आपने बाहर आके क्लिप तो देखी होगी भैया बहुत भाग्यशाली है हाँ। सारी चीज एक एक जो बॉयज लैंग्वेज होती है वो आप लोग मुझसे बेहतर समझते हैं ठीक है वो जिम में वो कृतिका हाँ। की बॉडी को देखना जिम सूट में देखना आई थिंक अगर अरमान भैया ये वीडियो मैंने इनफेक्ट पायल से भी चीज शेयर करी है भाई तूने ये वीडियो क्यों नहीं दिखाई तो उसने मुझसे कहा कि यार ये मेरे वहां से आने के बाद आएगी मेरे सामने और हम सीरियसली अरमान भैया अपने आप को गिल्टी फील कर रहे थे कि यार गलत थप्पड़ तो नहीं मार दिया मैं फील कर रही थी यार गलत सॉरी तो नहीं बोल मतलब गलत इसको अंडशन वर्ड तो नहीं बोल दिया अगर अरमान के सामने ये वीडियो आएगा तो वो तो वो गया आ, अगला अभी दोबारा से लड़ाई हुई साई केतन और लवकेश कटारिया के बीच में आपने शायद देखा नहीं देखा नहीं देखना कल, रही कल वाले <laughs> एपिसोड साई केतन ने पहले गाली दी लव कटारिया को फिर लव कटारिया ने भी वापस उनको गाली दे दी लेकिन गाली दोनों ने दी yes. तो बट जो लव कटारिया उन्होंने माँ की गाली दे दी लेकिन पहले जो है पहले साई केतन ने गाली दी तो उस उसमें वो भिड़ गए साई केतन को पता होगा की मेरी लिमिट्स क्या घर में सबको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि एक दायरा एक लिमिट्स क्या होती है साइंकेतन ने एक गुड टेलीविज़न एक्टर है उसे पता है कि मैं बोलूँगा और क्या जाएगा

तो वो इंसान इतना भरा बैठा भी हमें समझ में नहीं आता हमें क्या बोलना है क्या करना है बिल्कुल. अगला सवाल लेता हूँ फिर हम ऑडियंस से भी बात करेंगे बिल्कुल. एक जर्नी पे आपके आते हैं पहले क्योंकि आपने ये भी नहीं सोचा था बिग बॉस में जाना ना आपका एक मूड भी नहीं था क्योंकि पहले भी आपने बोला तो

तो लोग लेंगे ले यार फिर से ये बताना शुरू हो गई ये सिम्पत्ति कार्ड खेल रही है तो मुझे सबसे पहले तो सिम्पत्ति कार्ड खेलना नहीं पसंद मेरी स्टोरी जो है आप लोगों को लगा हर एक इंसान की अपनी एक स्टोरी होती मेरी स्टोरी है, ये है कि सिक्स मंथ से मम्मी पापा नहीं थे रिश्तेदारों में पली बड़ी गुस्सा बहुत था अंदर हर एक चीज़ को लेके थे कहते ना एक बच्चे को जब चीज़ चाहिए होती है उसे नहीं मिलती तो वो अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर भर लेता है इंसान शायद मुझे वापस से खड़े मेरे पति ने किया गेरा ने गेरा साहब में बैकबोन यू ही नहीं बोलती अगर वो खड़े हैं तो मैं हूँ वो नहीं है ना इंसान तो मैं जीरो बिल्कुल अगर मैं वहां बिग बॉस के घर में अगर 24 दिन रुकी ना तो सिर्फ उसकी वजह से क्योंकि उसने एक मिनट मेरे बेटे को आंखों से ओझल नहीं होने दिया तो अगर देखो सीधी सी बात है जब एक इंसान एक रोटी के लिए तरसता है ना जब मेरे बेटे को डेंगू हो गया था यही सीज़न चल रहा था अगस्त जुलाई और जब मैं बाहर निकली हूँ तो उसको फीवर था और थैंक गॉड मैं बाहर निकल गई उसे मेरी बहुत नीड थी तो उसे इसी सीज़न में डेंगू हुआ था आज से ठीक तीन साल पहले और हमारे पास दो हजार की वैल्यू नहीं थी मतलब पैसे नहीं थे और हम पैसे मांग रहे थे महावीर हॉस्पिटल में भक्के जा रहे थे नर्स कह रही थी वेट कर ले एक माँ होने के नाते मेरे अंदर वो थी प्लीज इसको देख लो प्लीज देख लो और उधर से जवाब आ रहा था एक घंटे वेट करेगी मर नहीं जाएगा वो शब्द आज भी याद है उस शब्द ने मुझे इतना मैंने यश को कई बार इस चीज पे कहा मैंने कहा तेरे जेब में पैसे होंगे ना तो दस लोग तुझे सलाम करेंगे

नहीं मुझे पाला पोसा आठ साल के बाद मैं एक घर में गई थी जहाँ बहुत सारे रिश्ते मुझे पापा ने मुझे रिश्तेदारों के बीच में छोड़ दिया था कभी कोई कैसे बिहेव कर रहा है कभी कोई कैसे बिहेव कर रहा है आठ साल के बाद मेरी स्टडी किसी और ने कस्टडी किसी और ने ली है वहाँ पर मुझे अलग अलग फिर नए रिश्ते मिल गए नानी माँ के हॉस्पिटल जाने के बाद मुझसे अलग बढ़ता हुआ जाता था आने के बाद अलग बढ़ता हुआ जाता था तो वो अंदर ही अंदर गुस्सा पनपता था कि क्या वास्तव में ये असली रिश्ते हैं नहीं है मैं जब नानी माँ शांत हुई तो पहली बार एहसास हुआ कि मैं गई मैं टूटी शायद उस वक्त मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई मेरा सर्जरी हुआ है लोगों ने तो उसका भी मजाक बना दिया कि कोई सर्जरी नहीं है मैं अपनी रिपोर्ट तो टेलीविजन पे नहीं दिखा सकती अगर किसी को प्रॉब्लम है आके देखे मुझे तो मैं कभी माँ का पे पा ही नहीं पाई मैं वो जिद नहीं कर पाई कि मुझे ये चाहिए वो मैं आज भी जब थक जाती हूँ ना तो ऐसे कहती हूँ काश माँ होती जाके सो जाती वो सर पे हाथ रख दी बेफिक्रो के वो मेरे लिए रोटी बना के लाती वो है मेरे अंदर कहीं ना कहीं और वो माँ मुझे मिली है मेरी सास के रूप में भी और मेरे पति के रूप में भी उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया नहीं बिल्कुल वो कहती भी है ना कि रिश्तों को खोने का दर्द देखा मैंने इसलिए की रिश्ते बनाने से डरती हूं हां रिश्ते खोए हैं रिश्ते छीने हैं किसी ने भी कुछ भी आ, जैसे दिल्ली जैसे शहर में मैंने लंगोरों में खड़े होके खाना खाया है फिर जब मुझे लोगो से सुनने को मिला यहाँ अकेले शब्द का यूज मत करना फिर मैंने कहा नहीं मेरे साथ तो मेरा मामा मामी रहते हैं मकान मालिक ने पूछा कहाँ रहते हैं मैं आ जाऊं आज कॉफी पे क्यों आएगा भाई तो ये चीजें बीती है मुझ पे अब मैं हर एक से तो चिल्ला के नहीं बताऊंगी कि ये मेरे साथ हुआ मेरे उस चीज से मेरे पति ने मुझे बहुत मुश्किल से बाहर निकाला और जब वो मुझे देखता है ना कुछ जैसे साइकेतन वाला सीन था तो मैं नहीं करती बर्दाश्त मुझे अनकंफर्ट में वो अगर शायद कभी उसका इंटरव्यू होगा तो वो बताएगा कि उसने वो मुझसे तीन साल जरूर छोटा है बट सीरियसली सैल्यूट है उस बंदे को Yes. वो नहीं होता तो चंद्रिका दीक्षित कभी नहीं होती मर जाती कई बार सुसाइड प्लान किया कभी मरने की कोशिश करी बहुत चीजें ऐसी हुई है पर आज खड़ी हूँ तो वो सारी चीज वापिस लूंगी जो मेरे से छीनी क्या बात सब कुछ नहीं मैं हम भी सिल्यूट करते हैं आपकी जर्नी को काफी स्ट्रोंग है आप और अभी जो आपके चाहने वाले वापिस लेकिन चाहने वाले जो हैं थोड़ा मूड रिफ्रेश कर लेते हैं थोड़ा इमोशनल हो गया तो जो पहले जो भी सवाल करना चाहता है आपसे वो पूछ सक अंकित हम बहुत देर से सवाल का इंतजार कर रहे थे कि कब हमारी बारी आएगी और हम सवाल पूछेंगे आप अपनी लाइफ के बारे में हर चीज आपने बता दी yes. दर्शक समझ भी गए लेकिन इसमें एक ए, 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 एक चीज समझ में आती है कि इमोशनल 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 हाँ मैं हूँ नहीं इमोशनल कार्ड चाहे बिग बॉस के अंदर हो या घर के बाहर हो या ठेला लगाने पर हो yes. या दूसरे का ठेला बंद करवाने पर हो आपको पक्का पता है मैंने दूसरों का ठेले बंद करवाए

आप कैसा है मैंने तो नहीं खाया okay. बहुत सारे लोगों ने नहीं खाया होगा तो आपने गलती कर दी आप प्लीज आइए और दुकान पे मैं आपको पर्सनली इनवाइट करती हूँ हाथ जोड़ के आप आई और मेरे ग्राहकों से पर्सनली पूछिए भाई वड़ा पाव क्या है नहीं आएंगे जरूर आएंगे बिल्कुल आपने बस लोगों की बात

तो मुझे कमाना पसंद है मैं मेहनत कर रही हूँ छीन नहीं।, तो नहीं रही ना लोगों से मैं मेहनत कर रही हूँ मैं तो सोलह आने का भी वेट कर रही हूँ जैसे आएगा पहला मोबाइल मेरे घर आएगा क्योंकि मैं उस चीज के लिए कमा रही हूँ मैं अपने बेटे को एक हाईफाई स्कूल में पढ़ाने का दम रखती हूँ इसका मतलब ये तो नहीं कि बड़ा पाओ वाली है तो हाई नहीं करेगी सपने तो पूरे करना एक हर इंसान की ख्वाहिश होती है मैंने अपने सपने मार लिए पर मैं अपने फैमिली के लिए कभी नहीं मारूंगी मेरे पति जब हम बड़ा पाव नहीं भी चलाते थे तो पहला मोबाइल भी उसने आईफोन लिया था आपने वो तो नहीं देखा

जब आप पे सीधा कोई सवाल करते हैं तो आप इमोशनली जवाब मुझसे करे क्वेश्चन और मैं, मैं जवाब से मेरे को बहुत तीखे लोग पहले स्क्रिप्ट पढ़ते होंगे कोई मुझसे पूछता ना, ना मैडम आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी मैं कहती हूँ पूज भाई और तीखे सवाल पूछना क्योंकि मेरी लाइफ लोगों को एक हंसता खेलता मजाक लगने लग गई है लोगों ने मुझे पब्लिक फिगर बना लिया है लोग डोंट नो उसको मेरे पति को एक वो इतना सही इंसान है उसको बिग बॉस अगर मैं मेरे वो साई केतन पर भी लफ्ज इसलिए उठाया था उसको पिन किया जाता है ये तुझे छोड़ देगी ये तुझे डम्बरू बना के रख देगी तू इसका ड्राइवर है तू ये है तूने इसको बढ़ा दिया तुझे ऐसा कर देगी तुमने मुझे जाना है जब मैं रेडी पे खड़ी होती थी आके बोलते थे कैसे पति से शादी कर ली तुझे रेडी पे खड़ा कर दिया तमाम स्टोरीज ऐसे आती है एस वाली स्टोरी आई

पर जब मैंने इतने माँ बाप 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 क्या होता है मैं बताती हूँ मैं चोखट पे बेटी होती थी और इंतजार करती थी कि अब आएगा मैं अपने बाप से बहुत नफरत करती थी मेरे मैं मर्द जात से नफरत करती थी मेरे दिमाग से यश ने मर्दों के लिए नफरत मिटाई है मैं हूँ तीखी <laughs> मैं कुछ लोगों के लिए सॉफ्ट हूँ हाँ। कुछ लोगों के लिए जहां मुझे लगता सौफ्ट, है सॉफ्ट एज बड़ा पाओ तीखी चटनी हाँ। मैं हूँ मेरे को पसंद आते हैं सर तीखा मैं मैं सिर्फ बड़ा अपने, बड़ा मैं सिर्फ अपने अपने पति से बोल रही हूँ लोगों के सवाल में मत जाइए कि वड़ा भाव में टेस्ट नहीं है जिस दिन आपने के बोल दिया ना सर आप जो बोलोगे आपके पेड़ छूने को भी और माफी मांगने के लिए चंद्रिका राजी दीक्षित जी दीक्षित जी आप

ए, एक शब्द जैसे मैं अपने पति को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ वो मुझे लेके बहुत पौजसीव है है का मतलब ये नहीं कि शक करता है। मैं यहां भी क्लियर कर देना चाहती हूँ मैंने जाते जाते भी उससे अच्छे से बात करी है जरूरी नहीं था कि हम साथ बैठ के बात नहीं कर रहे इसका मतलब उस लड़के का कैरेक्टर खराब है उसने जब कहा जब सना सुल्तान ने मेरे हाथ का पॉइंट दबाया था तो उसने कहा मैं तेरा बैग दबा देता हूँ उसका बोलना गलत नहीं था पर मेरा यह बोलना बिल्कुल सही था कि अगर तू दबा देगा बाहर वो वीडियो कैसे आएगा मुझे नहीं पता दूसरी बात मेरे पति को कैसे पॉइंट आउट किया जाएगा मुझे नहीं पता और फिर उसकी मेंटली कंडीशन कैसी होगी मुझे नहीं, तो नहीं पता सेम विशाल के भी घर वाले बाहर उसे देख रहे थे तो आपके माइंड में ऐसा नहीं आया कि विशाल की इमेज क्या बाहर जाएगी विशाल के माँ बाप विशाल की इमेज क्या बाहर जाएगी जब वो साथ बैठा बंदा आपको आपकी दोस्ती का मतलब पता है जो 24 घंटे आपके साथ रहता उसकी एक क्लिप भी हुई थी जिसमें वो कहता है मैं गलत वे में मेरा इंटेंशन वो वो नहीं है तो आपने शायद जिम वाली वीडियो देखी है

तो दुनिया मुझे गलत बोलने का हक रखती है क्योंकि मेरा पति नहीं जानता चौबीस घंटे नहीं? नहीं, दोस्ती -दोस्ती नहीं खेल रहे थी लेकिन मुद्दा आया नहीं हुई है बाद में हम लोगों ने साई को यही कहा कि भाई हमारा बोलने का मतलब ये था और आपने तुरंत देखा होगा की साई से मैंने माफी मांगी थी तेरे कैरेक्टर पे बात आई है तो भाई मैं माफी पर तेर से तो कभी अपना कंधा नहीं दबवाऊंगी अगर यही बात है तो जिस तरह से अरमान ने जो रिएक्ट किया वो सही था बिल्कुल सही था एक पति को अपने पत्नी के लिए करना वो तो चाहिए। कस्टेंट, पहले जब आया था तो हमारे सामने था ना कि अलग अलग हम गेम नहीं खेलेंगे। यार पति पत्नी को साथ क्यों बुलाएगा यार

गोप देता वो शब्द आया यहाँ पे तो वो हमारे सामने हुआ बहुत सारी क्लिप्स आप लोगों के सामने नहीं आती हमें एक पूरा घुमा दिया था आधे घंटे का ब्रेक लिया गया था और हमें स्पेशल केस क्या एक पति को अपनी पत्नी का साइड लेना था अच्छा मेरा तो? एक और सवाल है आपसे कि अभी अरमान कैप्टन बने हैं मतलब हेड बिग बॉस के हेड बन गए हैं जो पूरा बागडोर उनके हाथ में दे दी गई है तो सना मकबूल ज्यादा अच्छे कैप्टनसी निभाई है अरमान निभा सकते देखो, हैं देखो मैं जहाँ पर हूँ सना मक़बूल अपने दोस्ती जैसे विशाल लव शिवानी आप देख सकते हैं इनको कितना काम मिला था फेवरिज्म फेवरिज्म जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है यस yes. सबको पता है और अरमान जरूर रुलाएगा घर में पर काम करवाएगा आपको लगता है कि वो फेवर नहीं करेंगे किसी एक का बिकॉज उनकी पत्नी भी पत्नी, हैं अभी आपने बोला कि पति पत्नी गेम खेल जब उनके लिए वो जब मेरा अकेला रोटी बनाने का काम होता था वो अपनी स्पेशली पत्नी को भेजते थे, थे कि जा लड़की की हेल्प करवा वो कभी नहीं करेंगे मैम मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वैसे तो बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है अगर आपको दोबारा बुलाना चाहें और अगर आप वहाँ पे जाते हैं वाल्ड कार्ट, वाल्ड कार्ट के तौर पर तो वहां आप किस से, आ, क्या आ, रिवेंज लेना चाहोगे? देखो सबसे पहले मैं बोलना आपकी आपकी बहुत बहुत प्यारी है। आपकी बहुत प्यारी है है सच्ची और अगर कोई मुझसे करेगा तो मैं भी उसे सॉफ्ट पे ही जवाब दूंगी ठीक है कोई तीखे सवाल करेगा तो तीखा खाएगा क्वेश्चन करा आपने मुझसे घर में अपना तीखापन आपको सुनाऊंगी जरूर बस बहुत प्यार से तो मैं अदनान का गटर बंद करना चाहूंगा जो दोनों तरफ से वो हगरा है वहां अंदर उसका मुंह का गटर वो बंद कर दूंगी क्योंकि चंद्रिका वहां नहीं है तू भूल चुका है तू चंद्रिका का नाम लेके फेमस मत हो सेकेंड जिन लोगों ने खा के थाली में कहते हैं ना पीठ पीछे खाने के टाइम तो सब आ गए और आपने पीठ पीछे वार किया है तो उनको उनकी औकात दिखाऊंगी और कचरा साफ घर का बाहर फेंकूंगी okay. उसको गेम प्ले करने के लिए भेजा था वो झाड़ू और लूट रही जला रहा है तो ये चीजें और उसको बात करने की तमीज नहीं है दीपक भैया से जो बदतमीजी मैं बात कर रही हूं उसको उसकी औकात याद दिलाऊंगी कि भाई गलत कर रहा है हमारे घर के कैप्टन जी आपसे पूछना चाहता हूं कि अब जो इतना इतनी आप मशहूर हो गई हैं इतना ज्यादा लोग आपको जानने लगे हैं अब हर घर-घर में आप पहुंच गई हैं तो अब इस बड़ा पाव गर्ल के लिए क्या चुनौती आएगी मीठी बात सर को हाँ मेरे को पता है बहुत मीठी आवाज़ है उनकी और वो एक एक वो बड़े होने के नाते मैं उनसे कभी ऊँची आवाज़ में बात नहीं करूंगी ये मुझे पता है कि मेरी लाइन और लिमिट्स कहाँ पर है तो सर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि चंद्रिका को लोग ऐसा समझते हैं कि इसमें बहुत घमंड है बहुत एटीट्यूड है चंद्रिका बाकायदा अपनी दुकान पर भी दिखेगी और कुछ ऐसी जगह पर भी दिखेगी जहाँ पर मुझे जाना है कुछ प्रोजेक्ट है वहाँ पर जाऊँगी पर मेरा बर्ताव किसी के लिए कभी चेंज नहीं होगा कभी नहीं मैं जैसे अपने घर में हूँ वैसे ही मैं बाहर बिल्कुल तो बाप थैंक यू so बिल्कुल बिल्कुल बिल्कु तो अभी दोबारा से आ जाते हैं ट्रैक पे आ, एक मैं पढ़ रहा था काफी ऐसी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा कि वड़ा पाव गोवल पैसा भी कमा रही थी जिसे आपने बोला दिन का चालीस हजार भी हो जाता है अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है लाइनों में लग के लोग खाना खा रहे सब कुछ है तो फिर अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के जब उसको माँ की जरूरत थी वो अंदर क्या करने की ओके ठीक है मैं सबसे पहले चालीस से स्टार्ट करती हूँ ठीक है चालीस हजार कमाती हूँ लोगों को लगता है मेरा पूरा सेंटेंस नहीं आया बस हाँ छोटी सी लाइन आ गई उसमें मुझे सब्जी तरकारी लोगों की सैलरी हर एक चीज को देना पड़ता है जो प्राइवेट सेक्टर मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं ना उनको भी देना पड़ता है जो कि गलत है वो मांगते हैं देना पड़ता है ठीक है भाई इसके बाद मस्ट है मेरे घर पे दो आ, है रेंट की का रेंट की कहानी है रेंट का घर है मेरा अच्छा। आप आइए

सपने जरूर पूरी करूंगी क्योंकि वो मेरी मुझे ये लगता है जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई और मैं रुद्र के लिए बहुत वो थी क्योंकि मुझे ये लगता था की मैं सरकारी में पढ़ ली हर एक चीज कर ली मैंने हर एक सफर करा हर एक चुनौतियों से लड़ी मेरा बेटा जब किसी चीज पे आज कई बार हम भी जाते थे ना तो मैं वो कपड़ों का टेक देख लेती थी यार नहीं है आ, मन मार लेते थे होटल का जो बिल आ जाता था, था ना वहाँ मन मार लेते थे तो मैं अब उस ऐसा कोई दिन नहीं लाना चाहती कि मुझे वो बिल देखने की नीड हो इसलिए शायद मैं वहां गई और वहां भी मैं अपने बेटे के लिए गई अपने बिजनेस को प्रमोट करने गई दूसरी बात मेरी माँ जो मेरी सासू माए हैं उन्होंने मुझे कहा था मैं लास्ट नाइट उस स्कूटी पे बैठ के उनसे बातें कर रही थी कि मम्मा मुझे नहीं जाना चाहिए लोग पता नहीं क्या उंगली उठा देंगे मुझ पर तो मम्मी ने ये कहा था कि तूने आज तक जो करा ना वो सिर्फ तेरे बेटे के लिए करा मुझे उसको अगर स्टडी लेवल बाहर करवानी है उसके लिए मुझे लोगों से मैं नहीं चाहती कि मैं भीख मांग लूँ लोगों से मेरे पास इतना हो कि मैं उसके लिए हर एक फीचर सेट कर दूं कि हाँ चल ठीक है बिल्कुल अभी घर के अंदर वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई अदनान शेख टीम जीरो जीरो सेवन जोकर है वो आ, तो वो लल्ला बन अंदर बिल्कुर, के अंदर जा तो मैं नहीं जानती उसे सच्ची बता हाँ। रही हूँ

ने, दीपक जी ने भी बात बोली तो उन्होंने जो खाने के बारे में जो आपको बोला जो वीडियो वायरल हो रही है उसको, उसके ऊपर आपका शायद है? वो अपनी माँ पे भी कमेंट उठा देता होगा खाना बनाते हैं अगर कोई रोटी बना रहा है और ऐसे कर रहा है तो देट में वो गलत नहीं कर रहा आप अपने घर में भी खाना खाते हो यार

तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला बिल्कुल हाँ। और मेरे ख्याल से वाइल्ड कार्ड मुझ में किसी का ये नहीं कहती कि जीत सकता नहीं जीत सकता बट वहां पर रणवीर शोर एक ऐसा इंसान है जो वास्तव में एक्सपीरियंस इंसान है और वो जीतने का हक रखता है बिल्कुल इस देश का सबसे बड़ा यूट्यूबर वन ऑफ दिनाटी की कैरी है मिनाटी है। uh, ने आपको उन्होंने काफी सारी चीजें बोली है जो कि शायद आपको बुरी भी लगी नहीं, मैंने देखा ही नहीं वीडियो नहीं मैंने वीडियो में फैन जो है वो कमेंट कर रहे हैं क्यूँकी वहाँ भी आपके फैन पहुंचते होंगे अगर वीडियो पहुंचती है तो उसके ऊपर एक बात रख देना चाहती हूँ कि केरी जी ने अगर मुझे रोस्ट किया है ना केरी

माँ बाप कैरी के संस्कार ये होंगे कि वो घर में भी अपने अपनी बहन और पत्नी जो उनकी होंगी या है मुझे नहीं, नहीं पता नहीं। वो होंगी तो वो वो उसके लिए भी भी डिजर्व करते हैं उसको भी गाली देंगे जो किसी औरत की इज्जत नहीं कर सकता वो किसी की इज्जत नहीं कर सकता तो केरी जी एक काम करते हैं मैं तो बाहर आ ही चुकी हूँ तो वन टू वन बैठ के बातें करते हैं आप गालियों से जवाब देना मैं आपका मुंह बंद रखने का दम करती हूँ बिल्कुल तो कैरी मिनाटी को भी एक शुक्रिया कि मुझे आपने उस लायक समझा कि आपने मुझे रोज किया मैं सच्ची बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ भाई उसने रोज कर दिया ना ठीक है बट गाली बक के गलत कर दिया गाली नहीं बकनी चाहिए थी कि गलत में गाली में किसी के बाप की नहीं खाती बिल्कुल बिल्कुल हेलो मैम कैसे हो बिल्कुल ठीक हूँ भाई मैं मैं एक क्वेश्चन आपके लिए है जो बिग बॉस में जो वीडियोस आ रही हैं जिसमें आप गलत से इशारे कर रहे हो और कुछ खुजली कर रहे हो कुछ इस टाइप की वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं जैसे आपकी पहले भी वीडियोस वायरल होती थी कार्ड के ऊपर तो मुझे पूछना है कि आपकी वीडियोस ऐसी क्यों आ रही हैं मतलब आप ऐसा क्या करते हैं मैं एक बात बता देना चाहती हूँ अभी बिग बॉस घर की बातें कर रहे हैं तो मैं वहाँ की बात बता देना चाहती हूँ की चौबीस घंटे कैमरा चलता है ठीक है अब मैं किसी को यहाँ गिरा नहीं रही हूँ

मुझे ठंड लग रही है हम किस सबको ठंड लगती है तो हम लोग ऐसे नहीं बैठ जाते हाँ जी, हाँ जी, मैं तो बैठती हूँ मुझे हाथ में ठंड लगती है ऐसे करके बैठ जाती हूँ वो उन्होंने गलत तरीके से बाहर दिखा दी वो मेरी फॉल्ट नहीं है आप पूरा पूरा वीडियो प्ले करो करो अगर पूरा दिखाना चाह रहे हो तो हर एक चीज बट आपको पता है चंद्रिका को तो लोग फेमस करना ही चाहते हैं तो वो हो ही जाती है अच्छा मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो मेरा नहीं है वो पूरी पब्लिक का है जी भाई जितने भी लोग आपको फॉलो करते हैं जितने भी लोग आपकी वीडियोस देखते हैं इतना वेसन फेंकूंगी काम है तो इसका आंसर अच्छा आप क्या देना भाई, मेरी मैंने पहले भी आपको थी। जब मेरा बेटा बीमार पड़ा तो उस पैसे ने मुझे कीमत समझाई थी तो फेंकना और आज बिग बॉस के घर में हमें जब मुरंगे का सूप पी लिया हम लोगों ने उबाल उबाल के नमक मिर्ची डाल डाल के तो वहां से बहुत अच्छी सीख मिली कि कभी खाने का अनादर नहीं होगा तो फेंकना तो मेरे रूल में ही नहीं है मैं अपने घर से सीखी ही नहीं हूँ बेसन को बहुत स्वाद आया है और बहुत जगह आपको वो बेसन यूज होता हुआ नजर आया आपको बेसन अब फेंकना नहीं पड़ेगा बिल्कुल नहीं भैया बिल्कुल नहीं फेंकना आप इतना अमीर हो गए हाँ मेरे मैं, मैं बाबा इतना अमीर तो हो गए आप पब्लिक के लिए क्या करना चाहोगे मैंने पहले भी अपने शब्द में कहा है कि जिसको जहाँ मेरी जरूरत होगी ना चंद्रिका कभी किसी से नहीं पूछेगी बकायदा वहाँ खड़ी होगी मेरा पति खुद ये बात कहता है उसने मुझे बोल के भेजा था कि इमोशनल मत हो जाना क्योंकि अगर कोई दुखी होता है तो मैं उसके साथ खड़ी होती हूँ जी थैंक यू बहुत अच्छे सवाल थे आपके वापस आना चाहूंगे जिस तरह से अभी अभी घर में आपकी डिमांड भी हो रही है जी जी तो वाइल्ड कार्ड आप दोबारा ये

ठीक है क्योंकि जो मेरे नाम पे फेमस होना चाह रहे हैं भैया आप खुद अपने जो से लोग मुझे बता रहे हैं बट वो जोकर बन के गया वो लल्ला बन गया अंदर तो मैं उसको गेम याद दिलाऊंगी कि तो बाहर से क्या बोल के गया आपकी बीच में घर के अंदर अगर बात की जाए दोस्ती भी हुई खट्टी मीठी बहस भी हुई लड़ाई भी वापिस रिश्ते बने भी लेकिन कुछ रिश्ते थे जो आप बिना उसको सॉल्व किए बाहर आ गए आपको पता चलिए होगा मैं किसकी बात सना मकबूल का बिना मिले बाहर आ गए जो कि एक बाहर गलत भी लोगों को लगा कि यार जाते थे मिल तो की लेकिन अच्छा, हाँ। एक, मैं एक बात बताऊं अगर कोई हमारे घर से मेहमान जा रहा होता है तो वो हमसे मिलने आता है यार हमको मिलने जाना होता है आप मुझे इस चीज का छोटा सा जवाब दीजिए प्लीज जी हाँ हमें जाना होता कदम बढ़ाने होते राइट कॉलमी जब पहाड़ पे चढ़ी हुई थी और बिग बॉस ने कहा अब भी ये बाहर जाएगी और मेरा सबसे पहले कदम दौड़ा था क्योंकि मैं कॉलमी के साथ कभी नहीं बैठी थी और मैं बोली थी यार ये वहीं से चली जाएगी मिलने जाना

आ, बात की जाए तो आपका नया वेंडर जो आप शुरू करने जा रहे हैं नया आपका बिजनेस उसकी वेंचर के बारे में आप बात करना चाहते हैं अभी तो रेडी से आपने बताया आपने शॉप ले ली है हाँ। और क्या क्या पिटारे में है जो होने वाला आगे आप प्लान कर रही है क्या कुछ ऐसा आप क्या क्या और लाने एक चीज बता देती हूँ कुछ और शोज भी आ रहे हैं मेरे oh. उसके बाद मेरी रियलिटी शोज या फिर वैसे आएंगे डेफिनेटली अच्छा। आएंगे नजर लग जाती है आपने कहीं सुना होगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे आ, सफर को क्योंकि लोग तब भी मुझ पर सवाल उठाते थे लोग आज भी मुझ पर सवाल उठाते पता नहीं लोगों को मैं सवाल देते देते थकूंगी तो नहीं बट सफाइयां एक दिन शायद देना बंद कर दूंगी एक हद तक मैं अपनी सफाइयां रखूंगी उसके बाद लोगों को जैसे मुझे जानना है आप जानो यार एक हद तक मेरी सफाइया चलेंगी उसके बाद कोई दिक्कत नहीं मुझे बट अपनी फैमिली जैसे मैंने आप लोगों को बताया सबसे पहले मुझे अपना घर बनाना है तो उसके लिए तो बॉस भागना पड़ेगा अभी अब तो बन जाएगा बन बन जाएगा बाबा का शुक्र है है कि जाए बट बहुत बहुत कमाना अभी मतलब एक वो मोमेंट लाके खड़ा कर देना है बेटे को गलत आदत कभी नहीं डालूंगी कि बहुत कमाया तेरी माँ ने बट एक माँ होने के नाते ये भी नहीं चाहूंगी कि वो रोडों पर धक्का खाए या अगला और आखिरी आपसे एक सवाल कि आप मैंने जो सुना बाकी दोस्तों से ये चीज़ें जो बाहर सीखी यार वड़ा पाव गर्ल में ना बहुत घमंड है और जो पुरानी वीडियोस भी आपकी आई है तो यासे, वो अलग ही एडिट है कुछ है वो अलग बात है कि उसमें बहुत घमंड है आज भी मेरे को बोल रहे थे कि भाई उसमें तो अकड़ है बहुत है ना थोड़ी सी ऐसी रूड है ये वो पर जब मैं मिला आपसे तो वो रिएक्शन तो कुछ हो रही था तो फिर मैंने बोला यार यहाँ तो वो लोग जुट बो रहे हैं यहाँ तो ये एक्टिंग कर रही है एक्टर तो ये है नहीं

चौबीस घंटे कैमरे हमारे ऊपर है हाइट कैमरे हमको देख रहे हैं, एक दिन दो दिन उसके बाद कोई यश को है। जी, और मैं तो शायद आग, मैंने भी अब मन में रखा था ये चीज कि हाँ भाई घर में भी कैमरे लगा दे ताकि मेरी डेली लाइफ लोगों को पता चले और उसके लिए मैंने अपने डेली ब्लाउज बनाने स्टार्ट करे आफ्टर बिग बॉस ये लोगों को पता चले कि ये क्या है अच्छा बिल्कुल तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे Uh, हमें तो सिर्फ एक घंटे का बिग बॉस एपिसोड डेढ़ घंटे का दिखाया जाता है फुटेज okay, okay. uh, uh, काम है तो ऐसी अलाव हो कि बिग बॉस में हम ये भी करते थे जब हमें मतलब टास्क नहीं मिलता था तो वो क्या बातें होती थी क्योंकि चौबीस घंटे कुछ ना कुछ ना फोन है ना किसी का एक्सेस तो करते क्या हो देखो मैं एक चीज बता देती हूँ एक हमने बहुत अच्छी क्या क्या सुविधाएं बिग बॉस के घर में है देखो सुविधा वाली बात जहां कहू ना खाना बस लोगों को जैसे लोग जिस हिसाब से खाते थे जो पहले के चार दिन थे जैसे घर के अंदर एंट्री हुई थी सबसे पहले एंट्री मेरी थी तो मैंने जब राशन देखा हमारी आठ बजे एंट्री हुई थी और एक बजे तक हमारे पास कोई खाना नहीं आया था और सबसे पहले एंट्री आपकी हाँ सबसे पहले मेरी और शौर्य की एंट्री हुई थी तो शौर्य ने का चंदिका यार भूख लग रही है यार कुछ करते हैं तो मैंने दाल चावल बनाए थे और आलू की भुजिया बनाई थी तो जिसने जैसा चाहा वो राशन यूज किया मकबूल से मैंने चार बार भी कहा था जैसे अभी एक वीडियो में, में मेरा एआई बनाया जा रहा है मैंने जब क्योंकि अनिल सर को दिखता है वो देखते हैं कि, कि किसने रोका और किसने यूज किया तो शायद मकबूल ने एक ऐसी चीज करी थी कि अरे अभी तो और आएगा राशन ये सिर्फ हमको ऐसे टाइम पास के लिए दिया है तो शायद उसकी एक भूल की वजह से हमें मुरंगे का सूप पीना पड़ गया जो मैंने कभी नहीं ड्रम वो भी काट के पानी में उबाल के काली मिर्च डाल के हमने लाइफ में पहली बार पिया था और मैं रो दी थी कि मेरे हस्बैंड

बट उस वक्त मेरी आंखों पे पूरा नीली हो गई थी मुझे माइग्रेन का पेन और मेरी नस पूरी हरी हो गई थी और वो इलाज मुझे कम से कम छह सात घंटे के बाद मिला था बट वो वीडियो यश को क्यों नहीं दिखाई पब्लिक को क्यों नहीं दिखाई मुझे नहीं पता तो बहुत ऐसी चीजें होती है जो नहीं दिखती बिल्कुल वो दीपक भैया का रात में चिल्लाना और हम सबका हाँ डर के हाँ हम का डर के उठ जाना फिर बाद में हमको समझ में आ गया कि नहीं यार उनकी आदत है वो जब पत्रिका करते हैं वो सारा दिन भर का उनके दिमाग में होता है तो वो हमको आदत तो जाते जाते ऑडियंस को बता दो कौन है फेक और अब फिनाले नजदीक आने वाला है तो कौन किसको विनर देखते हैं टॉप थ्री बता दीजिए आपके हिसाब से कौन है आपका ये कैमरा टॉप थ्री में रणवीर भैया पहले नंबर पहले पहले रणवीर विनर वो अरमान भैया सेकेंड वो और थर्ड में थर्ड, थर्ड, थर्ड। अगर दीपक भैया सही सही हो हो जाते हैं, जो कि वो सही नहीं पा रहे, उनके अंदर एक्सपीरियंस और चीजों को हैंडल करने का तरीका बहुत रखना चाहूंगी बट इससे पहले अगर वो मेडिकल कंडीशन की वजह से बाहर चले जाते हैं तो हाँ बिन, तो <laughs> हा। ये है मेरी ट्रॉफी मैं अपनी ट्रॉफी के साथ ही आप तो अगर जो चल रहा है मकबूल को जितनी अटेंशन मिल रही है सारी चीजें एक अलग ही उसका वो तो चल रहा है नहीं, शार्मी? आपको पता नहीं है फॉलोअर्स वोटिंग बंद क्यों कराई गई है इसी वजह से <laughs> तो ये आप एलिगेशन लगा रहे हैं? नहीं एलिगेशन नहीं लगा रही मैं बट शायद मेरे हस्बैंड ने भी यही चीज कही थी कि वन तरफ

ये शिवानी जी, 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 जी के गांव से हैं अरे क्या बात है हाँ। तीखा सवाल पूछोगे क्या इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा ओके ठीक है ठीक है सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेट uh, करूंगा आपके instagram पे uh, मैंने देखा अभी कि 500 500k आपके uh, हो चुके हैं फॉलोअर्स <laughs> और थैंक यू सो मच ये अब uh, जैसा आपने बताया कि सॉफ्ट और uh, तीखा दोनों आप लेके चलते हैं तो मेरा दूसरा तीखा ये सवाल आपसे ये है यस कि बट आपकी आवाज बड़ी सॉफ्ट है हां ओके, okay. uh, जब आप सिवानी का नाम जब आया नॉमिनेशन के लिए तो आपने उनका नाम सबसे पहले लिया और के लिए नहीं आया था मैं आपको या कर देना एक नजर आई है हमारे तो फैंस हमको बचा लेंगे हमारे तो नाइन मिलियन है हमारे तो फैंस हमको बचा लेंगे तो हमसे सिर्फ ये पूछा गया था कि आप इन फ्यूचर किसको सेव करना चाहते हैं तब मैंने शायद कृतिका का नाम लिया था और मैं उस दिन बहुत रोई हुई थी

वो से हाथ जोड़ के बोलते भाई तू हमसे मत बात किया कर वो अपनी बचकानी हरकतों से उन्हें परेशान करती है तो एक मैं समझदार हूँ मुझे लग रहा है कहाँ गलत हो रहा है अगर मेरा बच्चा गलत करता है मैं उससे भी गलत बोलती हूँ बहन का रिश्ता कभी नहीं खत्म हुआ हमेशा शिवानी मेरी छोटी बहन रहेगी बट गलत थी बदतमीजियों की लिमिट्स क्रॉस कर रही थी शायद रविशंकर सर तभी बोलने आए थे कि भाई अपनी बदतमीजियाँ बंद कर दो बिल्कुल बिल्कुल तो सवाल का जवाब आपको मिल गया विकास जी तो वो भी लाद जाते भी कह सकता हूं कि सही को सही गलत को गलत कहने की दम रखती हूँ हाँ, गलत गलत आग लग रही है तो ही मुझे तकलीफ हो रही है नहीं भाई किसी और के घर में भी होगी तो उतना ही चंद्रिका को फील होगा बिल्कुल बहुत मुश्किल से घर बनता है बिल्कुल तो बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रिका जी आपसे दिल की बातें आज हमने की आपने कभी और कहीं ऐसी बातें नहीं करी थी जो आज पे नहीं करी तो दिल की बातें हमने आपके दिल से निकाली और काफी कुछ आप हमें जानने को मिला कि दी चंद्रिका दीक्षित गेरा कौन है तो दोबारा आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत आपको आपको कॉन्ग्रेचुलेशन so और ऑल द बेस्ट और दोबारा फिर मिलते हैं जब आपको bilkul, नया bilkul, कुछ लेके आएंगे तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही चंद्रिका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा अपना, अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच जय श्री महाकाल थैंक यू सो मच